अखिलेश यादव जी आए, किस तरीके से सहानुभूति उन्होंने दी, किस तरीके से संबल दिया आपके परिवार को? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। निश्चित तौर पर ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आगे का रास्ता आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट है वो लगातार एक तरीके से हमलावर बनी हुई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जो भी इस तरीके का कानून व्यवस्था पे बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कराया जाएगा। तो इनकी पूरी जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो उनकी गोद में है, जो उनके अपने हैं, चाहे सोजाती गुंडे हों, चाहे माफिया ब्रजेश सिंह हो, चाहे माफिया त्रिभुवन सिंह हो, चाहे और भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं ले सकता है कोई, कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बिल्कुल खोखली बात है और एक तरह से टारगेट करके, चाहे इंसान कुछ किया हो या ना किया हो, उसको टारगेट करके और उसको नुकसान पहुँचाना, उसको तकलीफ पहुँचाना, ये आज की राजनीति बन गई है, जो कि बहुत घातक और खतरनाक है। आप लोग के परिवार की ओर से जो शंका जाहिर की थी, हम लोगों ने भी बीएचयू के एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने भी आपकी ही बातों को आगे दोहराया, लेकर शंका जाहिर कर रहे थे। उन बातों को जो बीएचयू के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अरे चीजें सब खोलेंगे, तह बतह खुलेंगे, कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। और अफजाल बाबा ने कहा भी है ना कि जो पॉइजन से किसी की अगर मौत हुई हो, 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी उनका डीएनए और सब कुछ बता देगा कि क्या हकीकत थी। आज लोग छुप लें पर्दे के पीछे, लेकिन कानूनी रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायपालिकाओं पर यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आज नहीं कल सच खुलेगा। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे आप? कुछ या कोई बात कहना चाहेंगे? कुछ अपनी बात, जो अपने दिल की बात हो, मन की बात हो, वो केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक अगर पहुंचाना चाहते हो उनसे डायरेक्ट? कुछ नहीं, उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इलेक्शन को लेके किस तरीके की? नहीं, क्या इलेक्शन, इलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्शन तो अफजाल बाबा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं, और क्या, और उसमें क्या बोलूंगा। इलेक्शन तो कह रही है कि मुस्लिम वोट मुख्तार अंसारी के सहारे मुस्लिम वोट, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। ये कैसेट आप लोग बजाइए, अब उनके जबान में हड्डी नहीं होती कोई कुछ कहे, लेकिन उनके जनाजे ने ये साबित कर दिया कि वो रहनुमा, गरीब, मजलूम, बेसहारा के दिलों में मसीहा थे। और 3600 जात के लोग, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के और ख़ास तौर पर हिंदू भाइयों में हमारे 3600 जात के लोग आए, और आज भी 90% लोग, 10% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, 90% गरीब जनता वहाँ जा रही है। रोज़ आप मज़ार पे जाके देखिए ना क्या हाल हो रहा है, दो दो तीन तीन बार मिट्टी हटवाना पड़ रहा है हमको, डर से कि कहीं ज़्यादा लोड होने की वजह से पटरे पे ना नुकसान हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या आपकी माता जी कानून का सामना करेंगी? वो जुडिशियल कस्टडी में है, मेरी उनके लॉयर से भी बात हुई थी, गोपाल चतुर्वेदी साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के, और उन्होंने जुडिशियल रेमेडी सीख कर रखी है, और यकीनन हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये यकीन है हमें। ठीक है।